राजस्थान में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। इन उपचुनावों को जीतना भाजपा के लिए बहुत ही अहम हो गया है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी में है और माना जा रहा है कि ये 5ों सीटें कांग्रेस के पक्ष वाली ही है, तो ऐसे में बीजेपी का यहां से जीत पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए बुधवार को टोंक जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक रखी गई। उस बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट के गढ़ टोंक में पायलट पर निशाना साधा। सीपी जोशी ने पायलट को लेकर कहा कि वह सपनों के सौदागर हैं। इतना ही नहीं, सीपी जोशी ने पहले तो मोदी सरकार के कार्यकाल के गुणगान किए और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि वो हिंदुओं को हिंसक व आतंकी बताते हैं और भारत विरोधी नारे लगाने वालों को टिकट देते हैं। इससे ही उनकी सोच का पता चलता है, अरे ये तो गधे घोड़े हैं। इसके बाद कार्य समिति की बैठक को विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया। राठौड़ ने कहा कि 5 साल तक किस्सा कुर्सी का में उलझी रही कांग्रेस सरकार के सचिन पायलट टोंक से विधायक है, लेकिन जनता उनकी असलियत जानती है। वह चमचमाती गाड़ी में आते हैं और चले जाते हैं। राठौड़ ने कहा कि पायलट भले ही इस बार 29,000 मतों से जीत गए हों, लेकिन असल में उन्होंने सपने बेचने का काम किया है। राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को देवली उनियारा सीट से इस बार भाजपा की जीत का दावा भी किया। वह कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर इस बार यह सीट हम जीत कर रहेंगे। बैठक को जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने भी संबोधित किया और इस बैठक के बाद सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे सामने पायलट कोई चुनौती नहीं।